क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम स्टेज हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली ऑन द टू व्हील्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. द सेपरेशन बिटवीन द व्हील्स इज एल. द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ईच व्हील एंड द प्लेट इज म्यू. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड रिलीज्ड. पहले तो क्वेश्चन समझने की जरूरत है. SHM का एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. SCV का क्वेश्चन है और टाइम पीरियड को लेके है. और एक ऐसा क्वेश्चन है ये जो कि बेसिक से होगा, ठीक है ना, बेसिक से होगा ये, ठीक है ना. इसके अंदर आपको जो है ना, जहाँ से SHM का फॉर्मूला निकलता है उसी के थ्रू उसी वैसे ही होगा ये. मैं समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम. एक प्लेट है, इस प्लेट का मास दिया कैपिटल एम, इस प्लेट का मास है कैपिटल एम, ठीक है, मास है प्लेट कैपिटल एम. सिमेट्रिकली रखी हुई दो व्हील्स पे और ये दोनों व्हील्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. सिमेट्रिकली का मतलब ये हुआ कि ये वाला जितना गैप है यहाँ पे इस व्हील के इधर, इधर भी उतना ही गैप है, इधर और इधर गैप बराबर है. इस व्हील की सेंटर की जो, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, इस व्हील के सेंटर की इसके सेंटर जो डिस्टेंस है वो सेम है, चाहे यहाँ पे ना दिख रही हो. सिमेट्रिकली रखने का मतलब ये है, यानी दोनों के ऊपर लोड बराबर पड़ रहा है, दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बराबर है. कहने का मतलब ये कि लोड बराबर है दोनों के ऊपर, ठीक है ना, दोनों व्हील्स के ऊपर. और हाँ, दोनों अपोजिट सेंस में घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है लगातार और ये लगातार ऐसे घूम रहा है. और रफनेस म्यू है यहाँ पे, इस व्हील और इस प्लेट के बीच में रफनेस म्यू है, यहाँ पर भी रफनेस म्यू है. और इन दोनों व्हील्स के बीच गैप आपको एल दिया हुआ है, व्हील्स के बीच गैप एल है, प्लेट की लेंथ इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है. तो इसके अंदर ये बोला इसने कि अगर हम इसको हल्का सा, अभी तो ना ये प्लेट कहीं नहीं जा रही, प्लेट वहीं की वहीं है. देखिए अब ये जो प्लेट है ना, अभी इधर उधर नहीं हो रही है प्लेट. क्यों नहीं हो रही मैं आपको बताता हूँ अभी. और अगर क्यों नहीं हो रही, पहले तो ये बता दूंगा आपको, क्योंकि पता क्या हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन बराबर लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन सेम है, म्यू भी सेम है, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन सेम, म्यू भी सेम. FS max क्या होता है, म्यू इंटू एन. FS max क्या होता है, म्यू इंटू एन. यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी म्यू इंटू एन होगा. यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन एक ही दे रखा आपको, तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू एन के बराबर. ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इसके अंदर, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन. आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग क्यों रहा होगा, सोचने वाली बात ये है, ये लग इसलिए रहा है क्योंकि रबिंग हो रही है यहाँ पे, रगड़ रहा है यहाँ पे. ये जो व्हील ऐसे से घूम रहे हैं ना, तो इस प्लेट को ऐसे लगातार रगड़ रहा है. और जब इनके आपस में रिलेटिव मोशन हो रही है, ऐसे ही रगड़ हो रही है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, सीधी सी बात है. ये मतलब ये हुआ कि ये वाला व्हील ऐसे से घूम रहा है ना, यहाँ पे ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, तो ये फ्रिक्शन लगा रहा है इस प्लेट के ऊपर, इस तरफ लगा रहा है ना, इस तरफ फ्रिक्शन, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे चलो फ्रिक्शन लगा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एक बात बताओ, इसका मास एम और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं दो, इस प्लेट पे नॉर्मल रिएक्शन कितने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं. इस वाले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, इसके अंदर हल्का सा 10 मिनट का, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना. आप इसके अंदर कहीं इस वीडियो को बंद कर दें. इसके अंदर देखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन एन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन, दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं क्योंकि दो व्हील लगाएंगे, 2n का नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे. और इस 2n की जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे mg के बराबर होगी. तो नॉर्मल रिएक्शन एक कितना हो जाएगा, mg बाई 2. हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है. एक व्हील नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा mg बाई 2, दोनों पे बराबर लोड है, इसने बोला सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, दोनों पे बराबर लोड है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन बराबर लगेगा mg बाई 2 और इसके ऊपर भी mg बाई 2. अब देखो आप, अब यहाँ पे ये वाला जो व्हील है, ये जब ऐसे घूम रहा हुआ, जब म्यू एक ही दिया हुआ है, तो FS मैक्स की वैल्यू भी वही होगी और FK की वैल्यू भी वही होगी, म्यू इंटू एन के बराबर. और जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा इसके ऊपर. ये वाला व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, सिंपल है. और ये दोनों फ्रिक्शन में कह रहा हूँ बराबर है, इसलिए प्लेट वहीं की वहीं है, समझ रहे बात को. यहाँ पे ये जो दोनों व्हील्स हैं वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये वाला व्हील इस प्लेट पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा है और ये वाला व्हील इस प्लेट पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा है, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. दिस इज द रीजन दैट प्लेट इज एट रेस्ट. प्लेट रेस्ट में और इन दोनों व्हील से घूमने के बावजूद और रफनेस होने के बावजूद भी. अब बात समझ आ गई आपको पहले तो. और ये फ्रिक्शन लग कितना रहा है बताओ आप मुझे, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, म्यू इंटू एन के बराबर, यानी कि म्यू इंटू में mg डिवाइड बाई 2, इतना लग रहा होगा फ्रिक्शन. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ. अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम इसको हल्का सा x उठा के इधर से इधर रख दें, या इधर रख दें, उठा के रखना पड़ेगा, व्हील तो वहीं के वहीं है, व्हील कहीं नहीं जा रहे. इस प्लेट को उठा के हल्का सा इधर करके ऐसा रख दिया. अब आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि अब ये SHM करेगा एक्चुअल में,
पहली बात तो प्रूव करना है कि ऐसे हम कैसे करेगा, क्यों करेगा। दूसरी बात फिर इसका टाइम पीरियड बताना आपको, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। पहले तो यही नहीं लगता कि यार ऐसे हम करेगा भी नहीं भी करेगा, तो ये प्रूव करना है कि ऐसे हम करेगा। और दूसरी बात उसे टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। करते हैं, ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है बट एक ईजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। एक बार शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, हमें काम करते हैं इसको एक्स शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लेट थी ना, हम इसको जो है ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। इसका सेंटर पहले यहाँ था, अब इसका सेंटर क्या है यहाँ पे, ये सेंटर एक्स शिफ्ट हो गया, हो गया शिफ्ट। इसके ऊपर अब एक बात बताओ, इसके ऊपर जो लोड आ गया ना, इसके ऊपर जो लोड है वो तो है L बाय टू माइनस एक्स इतनी लेंथ का, और इसके ऊपर लोड है L बाय टू प्लस एक्स इतनी लेंथ का, मानते हो। एक व्हील पे लोड बढ़ गया, ठीक है ना, और एक व्हील पे लोड कम हो गया। पहले क्या था, दोनों पे L बाय टू लेंथ का लोड था, अब क्या हो गया बताइए। इस पर कितना लोड हो गया, L बाय टू माइनस एक्स, इस पर लोड कितना हो गया, पक्का ये बात मानते हो आप। प्लेट को मैंने हल्का सा शिफ्ट किया एक्स, ये व्हील वही के वही है, प्लेट को उठा के मैंने एक्स शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। प्लेट को उठा के अगर एक्स शिफ्ट कर दिया तो मेरा कहना ये पहले तो क्या था, एल बाय टू का लोड इस पे था, एल बाय टू का लोड इस पे था पहले तो बायसिमेट्री। अब जैसे मैंने इसको एक्स शिफ्ट किया, सेंटर भी शिफ्ट हो गया एक्स, इस वाली इस व्हील के ऊपर लोड आ गया एल बाय टू माइनस एक्स का, और इस पे लोड आ गया एल बाय टू प्लस एक्स का। ये बात समझ आती है आपको, ठीक। इसके अंदर मास भी है, एल लेंथ है, एम मास एम है इसका, इसका मास एम है इस प्लेट का। सुनो देखो, एक वैसे जनरल डिस्कशन है इसके अंदर, देखो इसका मास एम है प्लेट का और लेंथ एल है, इसकी टोटल लेंथ एल है। इसको एक्स शिफ्ट कर दिया मैंने, पहले क्या था कि यहाँ पे देखो दोनों ऐसे उठाए हुए थे इसको, मतलब दोनों के दोनों व्हील्स के ऊपर बराबर का वजन पड़ रहा था पहले। अब एक व्हील पे ज़्यादा वजन पड़ेगा, एक व्हील पे कम वजन पड़ेगा, अब सिमेट्री नहीं रही, अनसिमेट्री होगी, मतलब अनसिमेट्रिकल हो गया ये, नहीं आ रही समझ में बात है। अब एक बात बताओ, मार्कर है, अगर एक बात बताओ मैं ऐसा करूँ, ये एक स्टूडेंट आओ यहाँ पे, आप आ जाओ एक बार, आप यहाँ पर हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर, ये रुको, यहाँ पर जो है ना मैंने इसको ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है, यहाँ पर ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकली का मतलब ये हुआ, आप रखो, आप ऐसे करो दोनों उंगलियाँ, हाँ राइट, बिल्कुल, रुको एक बार, बिल्कुल, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है अभी तो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इसके दोनों उंगलियों से बराबर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों उंगलियों से बराबर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये उंगली भी एन लगा रही है और ये भी, और पता है इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी बाई टू, पूरी रोड का मास कितना है एम, पूरी रोड का मास कितना है अभी एम, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन और ये भी एन, तो ये पता क्या एम बाई टू मास का रोड, एम बाई टू मास को ये होल्ड कर रही है ये वाली उंगली, और एम बाई टू मास को ये वाली उंगली होल्ड कर रही है। तो यानी कि ये वाली जो उंगली नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो एम जी बाई टू का लगा रही है, और ये वाली उंगली भी जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो एम जी बाई टू का लगा रही है, ये बात मानते हो आप। लेकिन मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये दोनों सेम लेवल में हैं, लेवल सेम है उन दोनों उंगलियों का। एक बात बताओ, इस उंगली पर लोड ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा वजन को हैंडल कर रही है, और ये वाली बहुत कम वजन को हैंडल कर रही है। ये अगर ये उंगली उठा ले तो गिरे तो गगा, लेकिन इतना जल्दी से नहीं गिरेगा, ये गिर तो रहा है लेकिन इतना जोर से इतना, मतलब, और ये उंगली उठ जाए, उठते हटते ही तो बहुत फास्ट गिरेगा ये, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, इस उंगली पर लोड कम हो गया, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन कम लगाएगी और ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लगाएगी। अब समझ आ गई बात आपको, अब आप बैठ जाओ। देखो इसके अंदर इस रोड को मैंने एक्स शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया मैंने इसको एक्स, तो इस पहले इसमें से यानी कि सेंटर भी एक्स शिफ्ट हो गया, यानी इसके ऊपर लोड आ गया एल बाय टू माइनस एक्स इतनी लेंथ का, और इसके ऊपर लोड आ गया एल बाय टू प्लस एक्स इतनी लेंथ का। हाँ जी समझ में आया अब आपको, पक्का लोड अलग अलग हो गया ना। अब इधर जो फ्रिक्शन लगेगा, अभी ये व्हील अभी भी इधर फ्रिक्शन लगाएगा मान लो एफ आर वन का, और ये वाला व्हील अभी इधर फ्रिक्शन लगाएगा एफ आर टू का, राइट। पहले तो इस एफ आर वन की वैल्यू चेक करते हैं, ये तो पुरानी बात थी, ये बात ही पुरानी, मतलब शिफ्ट करने से पहले इसको तो हटा ही दो आप, ये किसी काम का नहीं है यहाँ पे, इसको हटा दो आप। अब नई बात आ गई,
इधर एफ आर वन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एफ आर वन की वैल्यू एक बार बताओ, चलो एल लेंथ का मास कितना है एम, एल लेंथ का मास कितना है एम, एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम बाई एल होगा यूनिट लेंथ का मास, और ये बताइए एल बाई टू माइनस एक्स इतनी लेंथ का मास कितना होगा एम बाई एल इंटू में एल बाई टू, इतना मास होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इतनी लेंथ का मास कितना होगा बताओ, एल बाई टू प्लस एक्स, इस लेंथ का मास कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू एल बाई टू प्लस एक्स, मानते हो कि नहीं मानते हैं, पक्का? चलो अब एक बात बताओ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ, एन वन मान लो एन वन, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मान लो एन टू, ठीक है। इस एन वन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एन वन की वैल्यू म्यू इंटू एन, एन वन म्यू इंटू एन वन हो जाएगी ना, सॉरी वो तो फ्रिक्शन हो जाएगा, एन वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसका जो वजन है ना यहाँ पे इंटू जी कर दो इसको, एम जी बाई एल इंटू एल बाई टू माइनस एक्स, ये एन वन की वैल्यू आएगी, मास मल्टीप्लाई बाई जी एम जी, एम जी इतने वजन को होल्ड कर रहा है ये, तो नॉर्मल रिएक्शन इतना ही लगेगा, समझ में आ गया आपको ये। एन टू, एन टू की वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ पे, एम टू की वैल्यू बताओ एम जी बाई एल एल बाई टू, ये जगह एन टू की वैल्यू आगे नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग, ये नॉर्मल रिएक्शन अलग लगाएगा ये व्हील, और ये वाला व्हील नॉर्मल रिएक्शन अलग लगा रहा है। अब एक काम करो आप, यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, एफ आर वन की वैल्यू, एफ आर वन कितना आएगा बताइए, म्यू इंटू में एन वन लगेगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन वन, एन वन यहाँ पे आप करोगे म्यू एम जी बाय एल एल बाय टू माइनस एक्स, ये आएगी आपके पास एफ आर वन की वैल्यू, हैं मान गए आप इस बात को, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया एन वन को। अब एक बात बताओ, एफ आर टू की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, म्यू इंटू एन टू ना, यानी म्यू इंटू एन टू का मतलब क्या हुआ, म्यू एम जी बाय एल एल बाय टू प्लस ये एफ आर टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, मान गए आप इस बात को। अब एक बात बताओ, बड़ा कौन सा इनमें से, बड़ा कौन सा है, एक बात बताओ, इसमें रोटेशन उल्टी तो नहीं दिखा दी कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इधर तो इधर ही चला जाएगा, इधर शिफ्ट किया ना हल्का सा, एफ आर टू बड़ा एफ आर वन छोटा है, रोटेशन ऐसे होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल ये गलत दे रखा है, ऐसे होगा ही नहीं, तो बिल्कुल उधर भाग जाएगा ये, इसके अंदर पता क्या होने वाला है, मैं तभी सोच रहा था, मैंने तो इस एच सी बी में जान बूझ के किसी ने शिफ्ट ऐसे तो नहीं कर रखा, ये उल्टा कर रखा है इसने, ये इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, इस क्वेश्चन में ना टाइम पे निकाल ही नहीं सकते, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, सुनो बाप, हम इसका अब इसका जो आंसर निकलेगा ना वो इस सिस्टम को ऐसे मान के होगा, ये मैंने जैसे पहले बहुत बार समझाया हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना ये ऐसे ही लिया था मैंने उस टाइम, और फिगर को मैंने देखा नहीं था, इसके अंदर ये ऐसे घूम रहा होगा, ये वाला ऐसे घूम रहा होगा इसके अंदर, तो फ्रिक्शन जो होगा ना एफ आर टू का वो इधर लगेगा इसमें, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना इस पर वो एफ आर वन इधर लगेगा, इस पर एफ आर टू इधर लगेगा और इस पर एफ आर वन इधर लगेगा, ठीक है ना, ये एफ आर वन है इधर, ये एफ आर टू है। अब एक काम करो आप, नेट फोर्स आ जाएगा ना यहाँ से, एक बार बताओ एफ आर टू बढ़ा गया एफ आर वन बढ़ा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है रोड को, रोड जहाँ पहले थी वहीं पे लाने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और जब रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो हम सोच लेते हैं ऐसे में तो होगा, मतलब जरूरी नहीं होगा फिर भी, उसके लिए भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन ये तो है कि रिस्टोरिंग तो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो पोजीशन थी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम तो थी, ये वापसी आएगा, अब जैसे आपने शिफ्ट किया इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट कर दे तो इधर आ जाता। अब देखो इसके अंदर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट वो कितना लगेगा बताइए, एफ आर टू माइनस में एफ आर वन, अब दिस माइनस दिस करो आप, ये आएगा आपके पास म्यू एम जी बाई एल, फिर लिखोगे एल बाई टू प्लस एक्स माइनस का एल बाई टू प्लस एक्स, तो कितना आएगा यहाँ पर ये म्यू एम जी बाई एल, क्या आएगा यहाँ पर ये उसके बाद इंटू टू एक्स, ये हो जाएगा आपके पास, यानी कितना बनेगा यहाँ पर ये टू म्यू कैपिटल एम इंटू जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा, ये नेट फोर्स आ गया। एक बार तो रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग तो माइनस साइन अपनी मर्जी से लगा देंगे हम इसमें, क्योंकि रिस्टोरिंग है, जब रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना तो ये माइनस साइन हमेशा ये रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स रिस्टोरिंग है, ऐसा फिजिक्स में हम कई जगह करेंगे, कई और क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर जहाँ पे नेट फोर्स रिस्टोरिंग होगा तो वहाँ पे माइनस साइन पुट कर देंगे। अब सुनो इसके अंदर जो ना अभी, अच्छा ये बताओ ये वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है कि नहीं, बताइए आप, इसका मतलब ऐसे होगा,
अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो तो इसका मतलब वो एसएसएम करेगी पक्का है, ये प्रूफ हो जाता है. एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इस फॉर्मेट में आ गया, इसकी इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. तो उससे को रिलेट कर सकते हो, इससे कर सकते हो ना आप. तो यहाँ पे जो है ना, यानी ये इसके अंदर ये बन गया एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स टू म्यू एम जी बाई एल इंटू एक्स. यहाँ पर क्या है, ये के है, के चीज है के, और टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई रूट एम बाई के. तो यहाँ पे के की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, टू पाई रूट एम एल, एम किसके एम ही आएगा यहाँ पे, और के की वैल्यू पुट कर दोगे अब यहाँ पे एल डिवाइडेड बाई टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या आएगा इसका, टू पाई रूट एल पॉन में टू म्यू जी, ये आंसर इसका. समझ आ गया आपको ये वाला.